नमस्कार जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम बजेराम राव भोसले जी। सर, आपने ये सेब की खेती कब की है, कब से शुरुआत की थी? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ, इसके जो पौधे थे वो कहाँ से मंगाए थे आपने? उत्तर प्रदेश में मंगवाया। उत्तर प्रदेश से मंगवाए थे। हर एक पौधा कितने में मिला आपको? 150 रुपए का मिला। 150 रुपए में, ठीक है। आपको जगह पे पहुंच हो गया था? जगह पे पहुंच हो गया। ओ, आपने एक जो पौधे का अंतर कितना रखा है? 12x10 फुट का अंतर रखा है। 12x10 का अंतर रखा। हाँ, ठीक है। ओ, लगाने के बाद कितने दिन के बाद इसको सेब आना शुरू हो गए? 2 साल बाद सेब आया। 2 साल बाद। हाँ, अभी कितना बरस हो गया इसको टोटल? 3 साल हो गया था। 3 साल। एक जो पौधा रहता है, एक पौधे पे अभी कितने केजी फल आए थे, कितने किलोग्राम? 4-5 केजी तीसरे साल में आया। ओके, 4-5 किलो के मिल रहे। हाँ, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा बहुत ही गर्म रहता है। ये जो पौधा है ये तो ठंड में आने वाला है, लेकिन आपने यहाँ पे लगाने के कैसा सोचा? वो कहाँ पे देखा था आपने? यूट्यूब में देखा। 45-47 डिग्री सेल्सियस में आने वाली ये पौधा है उनके। हाँ, तो इसलिए आपने यहाँ पे खेती की। हाँ, ठीक है। तो अभी टोटल कितने एरिया पे आपने इसका प्लांटेशन किया? 2.5 एकड़ मैंने किया है। 2.5 एकड़ में किया? हाँ। ओके, टोटल कितने पौधे लगे? 1000 पौधा है। 1000 पौधा। 1000 पौधे वहाँ से आपने मंगाए? हाँ, हाँ। तो जो जितना भी प्लांटेशन किया वो सब उग गए थे? सब उग गए। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, नहीं। पानी कैसा दे रहे हैं आप? वो ड्रिप में पानी देता है। ड्रिप से? हाँ। अभी हर दिन कितना टाइम देते हैं पानी आप? एक दिन आड़ करके। हाँ, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन? दूसरे दिन में 20-25 लीटर पानी देता है। एक पौधे को 20-25 लीटर पानी देते हैं? हाँ, ठीक है। तो इसमें काम के लिए मजदूर कितने रखे हैं आपने? एक मजदूर चेकर होता है। ओके, हाँ। मजदूर खाली सब देखता है? हाँ, हाँ, हाँ। ओके ओके, तो अभी क्या है आपके आगे क्या करने वाले? ज़्यादा और प्लांटेशन करने वाले, इतना ही रखने वाले? नहीं, मेरा क्षेत्र नहीं ना उसका ज़्यादा। हाँ, तो ये अगर पौधा लगाने के बाद कितने बरस तक फल दे सकता है? 40-50-60 वर्ष फल देता है। 50 साल तक चलता है? हो, चलता है। तो उसको खाली गोबर खाद और यही देना है? हाँ। रासायनिक में कुछ देते? रासायनिक नहीं, नहीं नहीं नहीं, वापरता नहीं, यूज ही नहीं करते? हाँ, खाली जो भी गोबर है यही दे रहे? हाँ। ओके, तो इसको सेब आप कहाँ बेचते हैं, उसका मार्केट कौन सा है? लोकल मध्य जाता है, जाता है। हमारे आसपास के शहर है उसमें जाता है? जाता है। ठीक है, उसका रेट कितना अभी चल रहा है यहाँ? अभी 100 तो 110 रुपये चलता है। 100 से 110 रुपया तक केजी का रेट मिल रहा है? चलता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आपको आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे, ये खेती अच्छे है? अच्छे अच्छे, कम खर्चे में, खर्चे में, कम लागत में ये कर सकते हैं? कर सकते हैं। जो लेबर की दिक्कत है उन किसानों ने तो जरूर? हाँ, जरूर जरूर कराए। 1 एकड़ के लिए पानी कितना लगेगा, अगर एक किसान सूखा है जहाँ पे पानी कम है तो कर सकता है क्या? नहीं, पानी तो लगेगा। हर दिन 50 लगेगा? लगेगा। 20-25 लीटर लगेगा? लगेगा। हाँ। तो उसका जो पत्ते झड़ने का समय कौन सा होता है और वो पानी कब करना? पत्ते झड़ने का समय है तो नवंबर दिसंबर पानी कम करना पड़ता है? कम पड़ता है। और उसके बाद उसको फ्लावरिंग कब आता है? जनवरी से फरवरी। हाँ। और हार्वेस्टिंग के लिए कब तैयार होती है? मई जून में हार्वेस्टिंग में तैयार होता है। मई जून में? ओके, तो आपको पर एकड़ में कितना अनुमान है टोटल? 4-5 लाख रुपए पर एकड़। 4 लाख तक मिल जाएगा? मिल जाएगा। और ये जब जो पौधे है जब बड़े हो जाएंगे तो और भी इनकम बढ़ सकता है? बढ़ सकता है। ओके, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।